वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों से मैंने कोई भी व्लॉग बनाया नहीं है और इतनी बिजी थी कि वर्क में कि इतना टाइम मुझे नहीं मिला है, और मैंने सोचा आज ना आप सबसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, तो ज़रूर आज एक व्लॉग बनाती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ अच्छी अच्छी बातें। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सब कैसे हैं, दिवाली फेस्टिवल कैसे मने आप ज़रूर बताइएगा मुझे। तो वीडियोस तो मैंने अपलोड नहीं किए हैं, शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, तो आप सब जो कमेंट्स करते हैं मैं वो देखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, और थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो मैं सोच रही हूँ आज ना एक अच्छी वाली एक एनर्जेटिक रेसिपी, जब आपका दिल अच्छा नहीं हो, जब आप लो फील कर रहे हो, तो ये वाली रेसिपी ना आप ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाए और आप अच्छा फील करें, एनर्जेटिक फील करें। तो मैंने सोचा चलिए आपसे ये रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो लेट्स गो, बनाते हैं हेल्दी सी एक बहुत अच्छी रेसिपी, और रेसिपी बनाते बनाते आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल जो है सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, और अगर आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पे आपको देखने मिलते बहुत सारी फ्रेश वेजीज एंड फ्रूट्स। तो मैंने सोचा चलिए एक बहुत ही इजी सी जो मिल्क शेक बोल सकते हैं आप इसको, या जूस बोल सकते हैं, तो ये टाइप का मैं आपको कोई एक रेसिपी शेयर करूँ जो ये वाले सीज़न के लिए बहुत ही हेल्दी है, और लेडीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आपको तो पता है कैरेट में कितने सारे विटामिन्स होते हैं, और बीट रूट तो पूछो ही मत। तो ये सब, ये जो दो चीज़ें हैं, इससे आप एक बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी रेडी कर लीजिए और इसको आप कंज्यूम कीजिए, तो बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने बीटरूट और कैरेट को पील कर लिया है, और इसको क्लीन करूँगी फिर वाटर से, और उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये जो पील जो निकला है इसको आप प्लांट्स में डाल सकते हो, तो प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो कैरेट और बीटरूट तो बहुत ही हेल्दी है बॉडी के लिए, और अगर आप रोज़ इसको सैलड की तरह भी खाते हो तो भी वो बहुत हेल्दी हो जाता है। लेकिन ये वाला जो टेस्टी सा जो मिल्क शेक है, अगर आप पियोगे रोज़ तो आपको कभी भी कोई वीकनेस नहीं होगी, हेल्दी रहोगे, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो टैबलेट्स वगैरह खाने से अच्छा है कि आप ऐसी रेसिपीज़ खा लीजिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रहें। तो इसको मैं ब्लेंडर में डाल रही हूँ, इसमें मैं ऐड करूँगी दूध, और अगर आप डाइट करना डाइट पे हो तो आप शुगर मत ऐड कीजिए, वरना थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। और इसमें ऐड कीजिए दूध और इसको कर लीजिए ब्लेंड, और एक अच्छा सा जो मिल्क शेक बन के रेडी हो जाएगा, जो बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। मिल्क शेक बन के यहाँ पे रेडी है, और इसको एक अच्छे से ग्लास में सर्व करते हैं। घर में सब पी सकते हैं इसको, छोटे बच्चे, बड़े लोग, और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही हेल्दी है ये फ्रेंड्स। तो आप कैसे हैं आप ज़रूर मुझे बताइए। मैं तो वर्क में भी बिज़ी थी और मेरी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब थी, इसीलिए मेरे व्लॉग्स जो है बहुत मतलब गैप हो जाता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ के वजह से मुझे एक बार तो 15 डेज़ का मतलब वायरल फीवर हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत ही लो फील कर रही थी। लेकिन वर्क पे भी जा रही थी बीच बीच में, मतलब छुट्टियां ली थी, लेकिन बहुत ही वीक ऐसे अंदर से हो रहा था, और सर्दी जुखाम इस टाइप के मतलब कंटिन्यूसली एक के बाद एक आते रहे, और इसलिए मैं मतलब व्लॉग्स अपलोड कर ही नहीं पा रही थी। तो अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग करते हैं अभी, क्योंकि बहुत दिन के बाद मतलब बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो पूछ रहे थे कि आपके व्लॉग्स आजकल आ नहीं रहे।
तो दोस्तों ये है बहुत ज्यादा हेल्दी एक जूस। आई मीन इसमें कैरेट, बीटरूट जैसे सब कुछ हेल्दी हेल्दी चीजें डाली हैं। और आपको जैसे मैंने बताया ये जो वेस्ट है इसको आप प्लांट्स में डालें। एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, अगर आपको हैप्पी लाइफ चैनल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, शॉर्ट्स पसंद आते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट लाइक शेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।